नमस्कार, मैं शेखर सुमन एक बार फिर से आप सबका मूवर्स एंड शेखर्स में स्वागत करता हूं। पिछले साल अमेरिका ने मंगल ग्रह पे पाथफाइंडर भेजा। कौन सी बड़ी बात है, ऋषि मुनियों के काल से हिंदुस्तानी वहां आते जाते रहे। बल्कि नासा के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट भेजी है कि मंगल ग्रह पे काफी हिंदुस्तानी कचरा मिला। एक ईंट भी मिली है जिसके एक साइड पर लिखा है यहां पेशाब करना मना है और दूसरी साइड पर राजू लव्स मंदिर। Don't go away, stay tuned. I'll be back in a moment with our guest for tonight's show. A director who's a doctor who's a director, Dr. Jaganmohan Mundra, and a singer who is actually a singer, Mehnaz. But before that, give a big round of applause for Sharjah and his rubber band. Yeah! Ek dost ne dusre dost se pucha, maan le tu jungle mein akela ja raha hai, aur sher aa jaye to tu kya karega? Main bhag jaunga. Aur sher bhi piche bhaga to main ped pe chadh jaunga. शेर भी पेड़ पर चढ़ गया तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। शेर भी पानी में कूद गया तो दूसरा दो बैठे बैठे पहले एक बात का फैसला कर ले, तू शेर की साइड में या मेरी साइड। Oh, that was really funny. बात शेर की ही चल रही है तो एक और कस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, पिताजी शेरनी बच्चे देती है कि अंडे देती है? अब जवाब बाप को आता ही नहीं था, ना करे तो बेटे के सामने बेइज्जती का डर। तो बाप ने कहा, डिप्लोमेटिक बाप था, बेटे शेरनी जो होती है ना वो जंगल की रानी होती है, अपनी मर्जी की मालकिन। तो जब उसका मन आता है तो बच्चे देती है और जब उसका मन करता है तो अंडे देती है। एक पड़ोसन दूसरी से कह रही थी, जानती हूँ सीमा, मैं दुनिया के सबसे जाहिल बेवकूफ और निकम्मे आदमी से तलाक लेने जा रही हूँ। इस पर दूसरी बोली, अरे वाह, मेरे पति से तुम कैसे तलाक ले सकते हो? क्या करे भाई, अब तो औरतों का ही है जमाना। फूलन देवी एमपी बनी, रबड़ी देवी सीएम बनी, अरुंधति राय को बुकर प्राइज मिला, दिव्या इब्राहिम को मिस इंटरनेशनल रनर अप मिला, डायना हेडन को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला, कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंच गई, आशा जी को भी चैनल वी का अवार्ड मिला, और मर्दों को क्या मिला? ठेंगा। किसी शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है, औरतें आजाद होकर और आगे बढ़ गई और मर्द खाली जश्न आजादी मनाते रह गए। सब आगे बढ़ गए। आजादी के 50वीं सालगिरह के सिलसिले में एक नेताजी गांव में भाषण देने पहुंच गए। उन्होंने सरपंच से पूछा, कहो जी आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ हो तो बताइए, हम भाषण में उसका नाम ले लूंगा। सरपंच बोला, नहीं माई बाप, हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ, सब बच्चे ही पैदा हुए। गांव हो या शहर, सभी पॉलिटिशियन आजकल भाषण देने पर डटे हुए, क्योंकि इलेक्शन का मौसम, देश भर में एटमॉस्फेयर जो है धीरे धीरे गर्म हो रहा है। कोई नेता अपने वोटर को पटा रहा है तो कोई भगवान को पटा रहा है। हमारे इलाके के नेता जी ने भी दिन रात एक करके प्रभु की आराधना की, नतीजा यह निकला कि साक्षात भगवान के सामने प्रकट हो गए और बोले, बच्चा हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए, मांगो कोई एक वर मांग लो, लेकिन इतना याद रखना तू जो कुछ भी मांगेगा उससे डबल तेरे ऑपोजिशन वाले कैंडिडेट को मिलेगा। नेताजी कुछ देर सोचते रहे फिर बोले, प्रभु ऐसा कीजिए मुझे इसी वक्त अधमरा कर दीजिए। देखा आपने, इलेक्शन जीतने के लिए नेता लोग किस हद तक गिर जाते हैं, खुद तो पाप करते हैं और हमें पुण्य की बात सिखाते हैं। एक साहब गुस्से से तमतमाते हुए थाने पहुंचे और चिल्लाकर बोले, अरे किसी बात की हद होती यार, मैंने पिछले हफ्ते रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरी कार गुम हो गई है, इसके बाद से कितने चक्कर लगा चुका हूं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? इस पर थानेदार ने पूछा, क्या आपकी कार एकदम नई थी? इस पर वो साहब और कड़के बोले, अरे बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, मुझे दहेज में मिली थी। थानेदार सिर खुजाने लगा और बोला, देखिए कार तो अब मिलने से रही, मेरी बात मानिए आप दूसरी शादी कर ली। वैसे पुलिस से क्या होता है, इन साहब को जाना था हमारे एजेंट मोल के पास, जो खोलता है सबका पोल, देखते हैं आज करता है किसका डब्बा गोल। हॉट ऑफ द प्रेस, बिफोर द प्रेस, आज अब सबके लिए लाया हूं मैं एक स्नीक प्रीव्यू आज की गर्मा गर्म डायरी। भट भट, हु इज इट, सुनिए। Dear diary, what is the meaning of life? Puja grows every day.
हर रोज शी इज 5 kg ज्यादा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कहीं मैं नाना तो नहीं बनने वाला। डियर डायरी, सोचता हूं कि पूजा को 1 last time फिर से लॉन्च कर दूं। आज घर से निकलते ही हवाओं ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द असली अर्थ ऑफ लाइफ। डियर डायरी, आजकल मेरी डिमांड अच्छी चल रही है। आई हैव ऑफिशियली बिकम अ टॉक शो स्पेशलिस्ट। फाइनली लोगों ने यह जान लिया है कि माय रियल टैलेंट लाइज इन टॉकिंग। पूजा हैज डिस्कवर्ड ट्रू लव फॉर द 25th टाइम। मेरा फैमिली डॉक्टर मुझे पानी के बारे में हमेशा टोकता है। शेखर, तुम शूटिंग पर यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, पानी संभाल के पिया करो, देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर बोन डिजीजेस। मैंने कहा भैया, डॉक्टर भैया, मैं बड़ा केयरफुल हूँ, पानी को पहले मैं उबालता हूँ, फिर छानता हूँ, फिर फिल्टर में डालता हूँ, फिर भी सेफ्टी के लिए हमेशा बियर ही पीता हूँ। दोस्तों, अभी पिछले दिनों की बात है, मैं टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहा था, इतने में देखा कि दरवाजे पर हमारे इलाके के नेताजी अपने पार्टी वर्कर के साथ खड़े हैं। वो जैसे ही अंदर आए, टीवी पर ऐड चलने लगा। इतना सुनते ही वो बोले, हमें अपने सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाइयों की जगह पर अब लाइव बॉय साबुन का इंतजाम करना चाहिए। मेरा एक दोस्त निकू मेरे पास आया, बोला यार शेखर, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ यार। इसमें मैंने कहा, काम तो बहुत सारे हैं यार, तू क्लर्क बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, इनकम टैक्स में रेड करने वाला ऑफिसर बन सकता है। इस पर वो बात काटते बोला, नहीं यार नहीं, मैं कोई बड़ा और साफ सुथरा काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तू ऐसा कर, तू चिड़िया घर चला जा और वहाँ हाथियों को नहलाने का काम शुरू कर दे। बड़ा भी है और साफ सुथरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द सेंसेशनल एंड सेंसुअस मेहनाज। वो आए हमारे स्टूडियोज, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको फिर आपको ही देखते, आपको ही देखते और देखते जाते, क्या करें, इतनी हसीन जो है। Mehnaz, you are almost freezing. Yeah. Huh? Next to you. Can I just warm you up? No. With warm regards, Shekhar Suman. No? Okay. अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो proverbial cap है, वो कहाँ है, मतलब, and why is that in every show of yours, in every video album of yours, you're wearing a cap? You noticed. Yes, I noticed. That's why. To cap it all, I did. Well, let's recap why. Okay. Okay. Yeah? Let's recap. Oh, well, actually, I do to hide my मोटे मोटे गाल Did you venture into it by accident, or was it like? No, I guess I've always been. Music has always been in your my blood. Life. Yeah, I breathe music. Yeah. Okay. And how have you picked up those somersaults and all those the absolutely mind-boggling things which you do in? Somersaults? No, I do splits. Splits? No. Also, yeah. I think you're just turning about. No, somersaults. No. Oh, could be somebody else. Kicks, splits, jumps, yeah. Yeah, whatever. Yeah, but whatever you do, people get a kick out of it, you know, because yeah, you're so good at it. If you never tried your hand in films? No, I wouldn't want to. Why? No. Why no? It's you know, there's one place we'll get you have more money, more glamour, more recognition. I'm getting enough of it already, so. Yeah. Oh, right. But I suppose you have in you the makings of. An actress. I mean, you sing well. Right. You dance well. Right. You're pretty looking. Actresses don't sing, so that sets me apart, right? Have you been offered a role? I have, yeah. What yeah, did you? Yeah. What kind of role was it? No. I've been offered to sing in films. No, but have you been offered a role? No, serials, but not. Not films. Not Bollywood. I wouldn't. No. I would no because I'm a singer and that's how I want to stay. But film wale to kahin bhi pahunch jaate hain. Kiske paas hi pahunch jaate hain. But I wouldn't close doors to doing a musical film. You know, if Mehnaz was portrayed as a singer and a dancer and everything, you know, something like that, yeah, I would producer jo ye program dekh rahe hain, is baat ka ek khasa note kar lijiye. Hint. Ye direct hint jo de rahi hain ki agar aap musical jis din banaye to sabse pehle aap Mehnaz ke paas aaye. Any embarrassing moments while doing a video album? Yeah,
Yeah, quite a few. Such as, for example? Yeah? Such like, as I split and the guy's camera's up there and I'm splitting like there. Oh, God. So I mean, there were all weird kinds of things. You slip, you fall, I mean, you know. And how about live shows? What you do on stage? Huh? It's a totally different ballgame. I mean, because when you're performing live, you get a high because firstly, you have a live band, you've got your dancers. The stage is with you. The world is your stage. Mehnaz, if you had to sum up your entire life in one sentence, how would you sum it up? Well, Mehnaz is vivacious. Vivacious. She's versatile. She's versatile. And when I say versatile, as a singer. Singer. And she is a performer. Performer? Namaskar. Aaj ke mukhya samachar. Ek second. Sala ek machhad aadmi ko news reader bana diya. दिल्ली फरीदाबाद हाईवे पर एक दुर्घटना की खबर है। आज सुबह माननीय मंत्री जी इस मार्ग पर बने एक पुल का उद्घाटन करने गए। मंत्री जी ने ज्यों ही पुल पर नारियल तोड़ा, नारियल रह गया, ब्रिज ढह गया। मुंबई पुलिस की ओर से विशेष सूचना, एक भेंगा यानी कॉकाइट खूनी जेल से फरार हो गया है। होशियार रहें, अगर कोई भेंगा आपकी खिड़की को घूरता नजर आए तो अपने पड़ोसी को सावधान कर दीजिए। ताजा खेल समाचारों से पता चला है कि 4 अच्छे खिलाड़ी हमारी क्रिकेट टीम से बाहर हो गए। एक जांच आयोग इस बात की छानबीन कर रहा है कि अच्छे खिलाड़ी हमारी टीम में आए कैसे। हमारे संवाददाता ने श्रीलंका से हार कर लौटी टीम के मैनेजर से पूछा, हमारी टीम रोज कितने घंटे प्रैक्टिस करती है? तो मैनेजर साहब बोले, हारने के लिए प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। Our next guest is somebody who looks as cute as a teddy bear. When you look at him, you instinctively would like to call him Jugs or Jagu or Jughead. But when you get to know that he is a serious producer of several Hindi movies and Hollywood movies, and to top it all that he is a doctorate in marketing, you cannot but very respectfully call him Dr. Jaganmohan Mundra. Please welcome, ladies and gentlemen, Dr. Jaganmohan Mundra, producer director of Monsoon. Cute teddy bear, huh? How about huggable? Ah, sure. I'll bear with you now. What are you looking at? Oh, true to your image, Dr. Saab, you surely look like a Hollywood heavyweight. And what are you looking at? I'm looking at a belly button. Belly button? I have not been able to find mine for the last 15 years. Dr. Saab, ye bataiye ki your bio data, your dossier reads like a virtual encyclopedia. Nahi, sab ye ek is aadmi ka dossier hai jisko pata nahi wo kya chahta hai zindagi se. To isliye maine shuruaat mein electrical engineering ki IIT Bombay se. Acha. Uske baad America chala gaya 19 saal ki umar mein. Wahan jaake maine MBA kiya. Fir maine MA kiya advertising mein. और उसके बाद फिर मैंने PhD की मार्केटिंग में और सब छोड़ छाड़ के फिल्म आ गया। आपकी फिल्में जो हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं, मतलब बड़ा एक एरोटिक सा बेस रहा, हालांकि मुझे कहने का हक नहीं, मैंने उत्सव से खुद शुरुआत की थी। मैं आपको यही कहने वाला था, जितना जो आपने पानी पीने का सीन किया था वो मैं आज तक नहीं कर पाया। अक्सर आपकी फिल्में जाने अनजाने जो है सेंसर में अटक जाती हैं, तो क्या वजह क्या है? और अगर सेंसर में अटक जाती है तो उन फिल्मों को आप यहाँ लाते क्यों हैं? नहीं, मैं नहीं लाता हूँ, वो तो इम्पोर्टर्स लाते हैं मेरी फिल्में यहाँ पर। अच्छा। और सेंसर में अटकती हैं कई दफ़े, क्योंकि हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा हवा है कि जरा सा भी अगर नाच गाने ना दिखा करके अगर रियल में लव सीन दिखा दिया तो थोड़ा लोग घबरा जाते हैं इससे कि नग्नता कहाँ तक, न्यूडिटी कहाँ तक एस्थेटिक है। इसको हमेशा जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जस्टिफाई करता है, कहता है जी हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड थी बिल्कुल बिल्कुल कि लड़कियाँ न्यूड आए। नहीं, वो इसलिए थी क्योंकि बिजनेस अच्छा होता है उससे। जो अभी लेटेस्ट फिल्म है वो भी मतलब अच्छी खासी कंट्रोवर्शियल फिल्म है। ये फिल्म थोड़ी अलग है, हटके हटके, हर सब कोई हटके करते हैं, डिफरेंट है। आपकी जो फिल्म की हीरोइन है हेलेन ब्रॉडी, हाँ जी, उन्होंने कहा है कि वो गुलशन ग्रोवर को उन्होंने फिल्म में कुछ प्रोडक्शन असिस्टेंट समझ लिया था, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने सुना, मतलब गुलशन ग्रोवर इतना मशहूर कलाकार, इतना मकबूल, उसको ऐसा कैसे उसने समझ लिया? क्योंकि एक तो क्या था, वो लड़की आई इंग्लैंड से थी। अच्छा। उसके फादर स्कॉटिश, माँ इंडियन, तो उसको ज़्यादा इंडियन फिल्मों का मालूम नहीं था। दूसरा यहाँ आई, और गुलशन तो जैसे अपना घर का प्रोडक्शन था। अच्छा। असल में उसका घर का ही प्रोडक्शन था, लेटा रहता था, तो नहीं वो सारे टाइम घूमता रहता था, जो जिस दिन उसकी शूटिंग नहीं होती थी तो सारा काम ऑर्गेनाइज करता रहता था। अच्छा। तो प्रोडक्शन मैनेजर काम तो खुद कर रहा था वो। अच्छा। तो उसने समझ लिया, बट
कंट्रोवर्सी उसके साथ नहीं, उसके कारण नहीं हुई थी। तो ये जो उनके साथ जो हीरोइन के साथ जो कंट्रोवर्सी एक हुई है कि देयर वाज अ रेप सीन इन द फिल्म व्हिच ही वांटेड टू डू इट इन हिज वे। अगर वो अपने जिस हिसाब से करेंगे तो किस हिसाब से करना चाहते हैं, उनके कैरेक्टर को जरा ज्यादा ब्रूटैलिटी हिसाब से करना चाहते थे, मतलब जरा ज्यादा स्किन नजर आ जाए, न्यूडिटी अश्लीलता जिसको कहते हैं और एस्थेटिक्स जिसको कहें कि विजुअली इरोटिक है, उसमें बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट? अगर मैं करता हूँ तो इरोटिक, अगर आप करते हैं तो अश्लील। सही माने में किस हद तक जाना चाहिए? जिस चीज़ का जितना ज़्यादा रिप्रेशन जो नॉर्मल लाइफ में होती हैं चीज़ें, उनको जितना हम रिप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है। मेरे हिसाब से अगर हम लोगों को एडल्ट, मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों के सामने सब करिए या सब चीज़ को हर, मगर अगर आप फिल्म को एक रेटिंग देते हैं कि ये एडल्ट्स के लिए है, ये सिर्फ वयस्कों के लिए है, तो कम से कम उसको वयस्कों को देखने का मौका तो दीजिए, मौका दे दीजिए तो उनके लिए। और आप अपने सैटेलाइट पे, टीवी पे, आप अंग्रेजी में ज़्यादा फिल्में क्यों बनाते हैं? हमारे हिंदुस्तान की जब आप कल्चर की बात करें तो व्हाई आर यू मेकिंग मोर हिंदी फिल्म्स? नहीं, अब क्या है, देखिए मैंने दो हिंदी, तीन हिंदी फिल्में बनाई थी, तीनों फ्लॉप हो गई, तो मैं इंग्लिश फिल्में बनाई वो चल पड़ी। अच्छा, तो इसलिए क्या है, देखिए मैं, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व विद एनी ऑफ योर हीरोइंस? मतलब मैं तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होता हूँ, नहीं तो फिल्म कैसे बनाऊं? वही मेरा भी वही मतलब। हाँ, मतलब मेरा भी वही मतलब मतलब प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कभी रिपीट करते हैं अपने हीरोइंस को? कई दफ़े रिपीट करता हूँ फिल्मों में। हाँ जी, फिल्मों में। ओके। और आप, और वो मेरे साथ बार बार काम करना पसंद भी करती हैं फिल्मों में। फिल्मों में, करेक्ट। आपका संदेश क्या है उन लोगों के लिए जो आपकी फिल्मों में काम करना चाहेंगे, चाहते हैं? नहीं, यही कि मैं जो फिल्में बनाता हूँ वो मुझसे ये सोच कर ना घबराएं कि ये हमेशा इरोटिक होती हैं या उसमें हमेशा नग्नता होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी फिल्में अगर समझ लीजिए डेढ़ घंटे पौने दो घंटे की फिल्म है, तो मे भी उसमें डेढ़ मिनट का, दो मिनट का एक लव सीन होगा, ठीक है, और उसके बाकी तो कहानी होती है। मैं आपकी फिल्म में काम करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.